बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज हम बनाएंगे कैरी का शरबत। खट्टा मीठा सा बहुत मज़ेदार होता है, और जो गर्मियों में लू लग जाती है उसके लिए तो ये बहुत बेहतरीन और नहायत ही मुफीद चीज़ है। और अभी मेरे पास, मैं थोड़ी सी क्वान्टिटी में बनाऊँगी। मेरे पास 2 कच्चे आम हैं, 1 मैंने कप चीनी का ले लिया है, और 1 चाय वाला चम्मच नमक का ले लिया है। 10 से 12 मेरे पास पुदीने के पत्ते हैं, और ये मैंने 2 ग्लास पानी के लिए हैं। इसके अंदर मैंने चीनी शामिल कर दी है और नमक शामिल कर दिया है, और ये आम जो से हैं ये मैं काट के इसके अंदर और चूल्हे पे चढ़ा देंगे हम, और इसको हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे ताकि ये आम जो से हैं वो नरम हो जाएँ। आपने इसको पका के ही यूज़ करना है, नहीं तो गला ख़राब हो जाएगा। अब कोशिश कीजिएगा आप येलो येलो कलर की अंबियाँ लें, जो ज़रा मीठी होती हैं। ज़्यादा कच्चे आम ना लीजिएगा, थोड़ी सी खट्टी मीठी वाली जो होती हैं, जो खाते हैं शौक़ से, वो आप लें। इसमें विटामिन सी भरपूर मिकदार में होते हैं। आजकल वैसे भी कोरोना की वजह से सब कह रहे हैं विटामिन सी लें, तो उसके लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। आप ज़रा बर्फ़ वगैरह कम डाल लें, मगर मैं ज़रा बर्फ़ ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे ज़्यादा बर्फ़ पसंद है। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालूँगी, मगर आप कम डाल सकते हैं। कैसे शेक कर लिया है नमक, कच्चा आम और पुदीने को। अब इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी बर्फ़ डाल दी है, और मैं इसको शेक करूँगी। पानी मैंने कम डाला है इसीलिए कि मैंने बर्फ़ ज़्यादा डालनी थी। आप अपने चीनी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, देख लीजिएगा आपको कितनी चाहिए। ये देखें कितना गाढ़ा गाढ़ा सा और मज़ेदार सा शरबत है। इसके अंदर मैंने कोई फूड कलर वगैरह यूज़ नहीं किया। आप भी बनाइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।